हेलो दोस्तों, आप में से बहुत से लोग अपने स्मार्टफोन में गेमिंग के अलावा भी स्मार्टफोन के सारे फीचर्स का रेगुलर यूज करते हैं, जैसे आप डेली गेमिंग, डेली फोटो एंड वीडियो शूटिंग, ऑनलाइन क्लासेस और भी इसी तरह के मल्टीटास्किंग आप अपने स्मार्टफोन में करते होंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन लाया हूं अंडर 15,000 रुपीस में, जिसमें आपको बेस्ट कैमरा, बेस्ट डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और बेस्ट परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं यही बोलूंगा कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए, जिससे आपको पता चले कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम थर्ड नंबर के स्मार्टफोन की बात करेंगे। तो थर्ड नंबर पे है Redmi Note 10S। दोस्तों, अब ये जो स्मार्टफोन है, इसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें मिलता है 6GB की रैम और 64GB का स्टोरेज, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाता है और डिज़ाइन भी इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो अब इसके डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, 60Hz रिफ्रेश रेट है इसमें और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके डिस्प्ले से आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। कैमरे की बात करें तो पोर्ट कैमरे का सेटअप मिलेगा, जहां पर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा प्लस 22 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर मिल जाएंगे और इसके फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। दोस्तों, इसके दोनों कैमरे से आपको एवरेज क्वालिटी के फोटोज मिल जाते हैं, तो कैमरा काफ़ी अच्छा है। अब इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें MediaTek Helio G95 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, यह 2.05 GHz स्पीड पर क्लॉक है एंड इसमें एंड्रॉइड का वर्जन 11 मिल जाता है। तो दोस्तों, इस प्रोसेसर पर आप अच्छी गेमिंग तो कर ही सकते हो, साथ ही इसमें आप बाकी के डेली मल्टीटास्किंग वगैरह सारे एक्टिविटीज़ भी इजिली कर सकते हो। एंड अब इन सबको पावर देने के लिए इसमें लगा है 5000mAh की बैटरी 33W फास्ट चार्जर के साथ। तो दोस्तों, इस प्राइस पे Redmi Note 10S काफ़ी पावरफुल स्मार्टफोन है, जो आपके डेली एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी सही स्मार्टफोन है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने सेकंड नंबर के स्मार्टफोन की। तो सेकंड नंबर पे है Moto G40 Fusion। दोस्तों, इस स्मार्टफोन को आपने बहुत सी वीडियो में देखा होगा, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन के सारे फीचर्स काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। तो चलिए इसके सारे एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके रैम स्टोरेज की बात करें तो इसमें 4GB की रैम और 64GB का स्टोरेज मिल जाता है। इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है और इसके बैक में फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात, इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है, तो आपको अननोन एड्स देखने को नहीं मिलेगी, जो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी डिज़ाइन देखें तो ये फोन थोड़ा बड़ा लगता है, बट आप इसके एस्पेक्ट्स को देखते हुए इसके डिज़ाइन को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि एस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो अब डिस्प्ले की बात करें तो 6.78 इंच की फुल HD प्लस वाली बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, साथ ही 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करें तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है और इसके फ्रंट में मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो दोस्तों, इसके कैमरे से भी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के फोटोज मिल जाते हैं। अब प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 732G का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, ये 2.3 GHz स्पीड पर क्लॉक है और इसमें आपको एंड्रॉइड वर्जन 11 देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये फोन गेमिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी है। और आप बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 6000mAh की बैटरी दी गई है 20W फास्ट चार्जर के साथ। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन में भी आपको सारे फीचर्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। इस स्मार्टफोन को आप गेमिंग और बाकी एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने पहले नंबर के स्मार्टफोन को। तो फर्स्ट नंबर पर है Realme 8। दोस्तों, ये स्मार्टफोन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आपको गेमिंग, शूटिंग और बाकी के डेली एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो चलिए जल्दी से इसके स्पेक्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको 4GB की रैम और 128GB का स्टोरेज मिल जाता है, डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिलता है, इसमें आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो और डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा मिल ही जाता है, साथ ही इसमें आप फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। तो अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो इसमें आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है और 60Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा मिल जाता है। कैमरे की बात करें तो कोर कैमरा सेटअप के साथ 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, साथ ही 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा प्लस 22 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर मिल जाते हैं एंड इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। दोस्तों, इसके कैमरे से आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पिक्चर्स मिल जाते हैं। इसके कैमरे की कस्टमाइजेशन भी काफ़ी अच्छे से की गई है और इसके फ्रंट कैमरे में सोनी IMX471 सेंसर का यूज़ किया गया है, तो जिससे आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के फोटोज़ मिल जाते हैं। अब इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको MediaTek Helio G95 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, ये 2GHz स्पीड पे क्लॉक है और इसमें आपको एंड्रॉइड वर्जन 11 देखने को मिल जाता है। इस प्रोसेसर पे आप हैवी गेमिंग तो कर ही सकते हो, साथ ही मल्टीटास्किंग वगैरह भी इजीली कर पाएंगे। अब इस स्मार्टफोन को पावर देने के लिए इसमें लगा है 5000mAh की बैटरी 30W डार्ट चार्जर के साथ।
तो दोस्तों ओवरऑल इस स्मार्टफोन के सारे फीचर्स काफ़ी अच्छे दिए गए हैं जो आपको डेली एक्टिविटीज़ में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो दोस्तों ये थे टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000। तो दोस्तों अब इनके प्राइस की बात करें तो सभी स्मार्टफोन्स आपको 15,000 के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर आप अपने बजट को बढ़ाते हो तो इसका टॉप वेरिएंट को भी देख सकते हो जहां पे आपको 8GB तक के रैम मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको इन स्मार्टफोन्स में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वहां पे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। एंड दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको और भी न्यू स्मार्टफोन्स की वीडियो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलती रहे।